मेरे साथ में गुवाहाटी से बीजेपी प्रत्याशी क्वीन ओझा जी, आप क्या संकल्प लेकर जा रही हैं जनता के बीच में? उन्नयन जी, और सारा गुवाहाटी में जितना भी समस्या है सब हम देखेंगे जी, और एक एक करके पूरा समस्या घूमेंगे जी, और प्रायोरिटी के हिसाब से हम डेवलपमेंट करेंगे जी। और अभी आप काफ़ी देर से जब प्रचार कर रही हैं, तो क्या ऐसी समस्याएं आपको प्रमुख तौर पे निकल कर आई आपकी गुवाहाटी में, जिससे लोग आपको शिकायत कर रहे हैं? अभी तक कुछ किसी ने कोई शिकायत नहीं किया है, सबने बहुत आनंद है, आनंद में है, क्योंकि इस बार पहली बार मैंने संसद की संसद में जा रही हूँ शायद जी। और सब लोगों ने एक साथ मिलके मेरे लिए काम कर रहे हैं सब लोग, और 23 तारीख के लिए सब लोग तैयारियाँ कर रहा है जी। और मेरे विपरीत जो उम्मीदवार है जी, सब लोगों ने बोला है इस बार मोदी सरकार होना ही चाहिए जी, और मोदी सरकार होने के लिए यहाँ से आपको जीत के जाना ही चाहिए, और उसी उम्मीद से मैं काम कर रही हूँ जी। क्योंकि आपने शायद कहा, इसीलिए एक ऐसी भी खबरें हमको यहाँ पे मिली कि क्योंकि विजया जी का टिकट कट गया है तो कुछ पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी है जिससे नुकसान हो रहा है। आप देखा है ना, ये जो परिवेश है आपने देखा है ना, ये कहता है क्या ये हो रहा है? आपको लगता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है। सारे लोग निकल के आए हैं, और हम लोग अलायंस पार्टी AGP BJP BPF राभा हसंग सब लोगों ने एक साथ मिल के हमें कैंडिडेट दिया है, और मैं समझती हूँ इतना स्ट्रांग हमारा होल्ड है अभी पार्टी का भी फाउंडेशन इतना अच्छा है, क्योंकि जिला से लेके पिस्ता प्रमुख तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो हम सब लोग को एकजुट होके मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो उम्मीद तो बहुत है, लेकिन हम एज ए कैंडिडेट ऐसा नहीं कह सकते हम जीतेंगे, लेकिन सब लोगों ने बोला कि आप जीतोगे जी। और अभी आप जब जा रहे हैं तो आपको क्या जो नागरिकता संशोधन विधेयक था उसको लेकर कोई शिकायत सुनने को मिल रही है, NRC को लेकर? नहीं, हमारा मुख्यमंत्री जी से सबको उनका ऊपर विश्वास है, वो असम का अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करेंगे सब लोग। क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र कहा है उसमें कहा है कि हम कांग्रेस का बात छोड़ दीजिए, वो तो गया है, गल गया है, कुछ है ही नहीं, सब हमारा चार हमारा साथ एक साथ हम लोग 4-5 पार्टी लड़ रहे हैं, तो इतना एकजुट हर के इतना शक्तिशाली हम हो गए हैं, तो कांग्रेस का नाम लीजिए मत। और इस बार का चुनाव जो BJP कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या है सिर्फ मोदी जी के नाम पर बना दिया आपको? तो है ना, मोदी इज मोदी, अभी सारा वर्ल्ड में ओनली 1% सबको सबने सैल्यूट कर रहा है, इसीलिए उनका नाम तो लेना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने हैं, इसलिए मुझे।